नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। चीन एशिया का दादा बनना चाहता है, लेकिन उसी लालच को देखकर हर देश उससे परेशान है, क्योंकि सभी देश जानते हैं कि अगर वो चीन के नजदीक गए तो गुलाम हो जाएंगे। जैसे कि श्रीलंका पाकिस्तान का हाल है, श्रीलंका से तो चीन कर्ज के एवज में एक पोर्ट ही ले लिया है, तो दूसरी तरफ इमरान खान से चीन ने ग्वादर एयरपोर्ट कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही साथ कई और देशों की जमीनों पर कब्जा करना चाहता है, बल्कि कब्जा कर रहा है। इसी को लेकर कई देश विरोध जता रहे हैं, जैसे कि भारत, भूटान, नेपाल। भारत ने लद्दाख में करारा जवाब दिया, लेकिन और देश चीन की घुड़की से थोड़ा सहम जाते हैं। इसी बीच खबर है कि नेपाल में चीन के कब्जे को लेकर महंत ठाकुर की अगुवाई वाली डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी प्रदर्शन किया। डेमोक्रेटिक यूथ एसोसिएशन के करीब 200 लोगों ने काठमांडू शहर के बीचों बीच मैती घर मंडाला में प्रदर्शन किया और पोस्टर लहराए। पोस्टर पर लिखा था, हमारी कब्जाई जमीन लौटा दो। जानकारी देते चले कि जमीन विवाद को लेकर नेपाल सरकार ने एक समिति बनाई है। खबरों की माने तो चीन ने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया है और पिछले साल तो हुमला में 9 इमारतों का निर्माण किया। खबरों की माने तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से मात्र 147 किलोमीटर दूर नेपाल के हुमला जिले में चीन की ओर से कब्जा किया गया है। बस इसी बात से नेपाल युद्ध भड़का है। एक तरफ तो चीन नेपाल पर पूरी तरह कब्जा करना चाहता है और बेटी रोटी के संबंध वाले भारत से दूर करना चाहता है, और इसमें लगभग सफल भी हुआ था, लेकिन बाद में जनता ने जोरदार विरोध किया और उसका नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री ओली को जाना पड़ा। फिर जाके कुछ स्थितियां सामान्य हुई और चीन की पोल खुली, और इससे नेपाल की जनता को पता चला कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। और अब नेपाल में चीन का जोरदार विरोध हो रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्या नेपाल अपनी जमीन वापस पाता है या चीन के खिलाफ विरोध बढ़ता ही जाता है।